हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र का इलाज महू के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने इंदौर में MTH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज चल रहा था और आज यानी 25 जून को कोरोना संक्रमण से उनकी मौत की खबर सामने आई। गौरतलब है कि 20 जून को राजेंद्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवार के 3 सदस्यों और 3 किरायेदारों यानी कुल 6 लोगों को धार क्वारंटाइन सेंटर के लिए रेफर किया गया था, जहां उनकी सैंपलिंग ली गई, जिसके बाद उनके बेटे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं आसपास के इलाकों को पूरी तरह से कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया, साथ ही पड़ोसियों के मकानों में भी ताले लगा दिए गए। पीथमपुर से संजय सोनकला की रिपोर्ट। जी सर, बताइए, आज जो कोरोना संक्रमण के एक व्यक्ति की मौत हुई है, आखिर क्या था मामला? ये राजेंद्र पाटिल जी है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले हैं, फोर्स मोटर में कार्यरत थे। उनकी रिपोर्ट हमें 20 तारीख के दिन पॉजिटिव मिली थी, उसके बाद से हमने इनके घर वालों को क्वारंटाइन कर दिया था। आज सुबह इंदौर प्रशासन द्वारा हमें सूचना आई है कि उनकी डेथ हो गई। क्या उनके बेटे की भी कुछ पॉजिटिव आने की खबर है? हाँ, कल रात को उनका जो बेटा है अंकित पाटिल, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी जितने लोग हैं उसके घर के, वो सब नेगेटिव हैं, उन्होंने घर छोड़ दिया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।